हेलो स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सरिंदर प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास आपकी जैसा आपका इवनिंग सेशन डेली आपका होता है। यूपीपीएससी एई इलेक्ट्रिकल के लिए आपका स्पेशल सेशन स्टूडेंट इस तरीके से। तो आप लोगों का ऐसा नहीं है स्टूडेंट आपका कि यूपीपीएससी एई अगर आपको थंबनेल में या इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा है तो सिर्फ आपका यूपीपीएससी एई के लिए ही क्लास होगी आपकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका। क्लास आपकी हर जेई और एई एग्ज़ाम के लिए, जितने भी आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम आपके होते हैं, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपकी या इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको, दोनों ब्रांचेस को जितना भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल सेशन हम लोगों का जैसे डेली हमारा शाम को 4 बजे से होता है, तो वही क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएँ, ठीक है। और लाइव आते ही स्टूडेंट आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोग, ठीक है। तो क्लास में जुड़े स्टूडेंट सभी लोग फटाफट लाइव आएँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, ठीक है। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया भी आप लोगों को इस तरीके से आपका कि आपकी क्लास जो आप लोगों का एक स्पेशल सेशन आप लोगों का यूपीपीएससी एई राजस्थान जेई, ठीक है, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट एनएलसी और नीलेट, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एग्जाम आपके जिनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पूछा जाता है, तो जिस भी टाइप से या जिस भी सब्जेक्ट से जिस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, ईडीसी, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिफरेंट सब्जेक्ट से जिस टाइप का क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, उस सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को जो एई लेवल पर आप लोगों को, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस को पूछता है, चाहे आपका सेंटर गवर्नमेंट का एग्जाम है या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, इस टाइप के क्वेश्चन दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट को दोनों एग्जाम पे दोनों लेवल पर आप लोगों को जेई और एई दोनों लेवल पर इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रणाम जी, गुड इवनिंग। तो सभी लोग फटाफट लाइव आते जाएं स्टूडेंट, और लाइव आते ही सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों का क्लास इस तरीके से आपका लेक्चर नंबर 74 आप लोगों का इस तरीके से है, ठीक है। 73 लेक्चर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट ने अभी भी 73 लेक्चर्स को नहीं देखा है पहले, एक बार आप लोग उन लेक्चर्स को जरूर देखें, आपको अलग ही एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किए भी हैं, ठीक है। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं स्टूडेंट। और लाइव आते ही स्टूडेंट आप लोग सबसे पहला जो काम आपका होना चाहिए वो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि फटाफट सभी लोग लाइव आ सकें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर स्टूडेंट मैं चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, एक जनरल सा क्वेश्चन। गुड इवनिंग जी, ठीक है, एक जनरल सा और एक बेसिक सा क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का बी डबल ई, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचेस को आप लोगों को पूछा भी जाता है, और जेई और एई किसी भी लेवल पर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बेसिक इस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का तो कोर सब्जेक्ट है आपका, तो फटाफट आंसर दें और आंसर हर एक स्टूडेंट दें, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो आंसर ना दे रहा हो, चाहे आपका गलत आ रहा है स्टूडेंट, चाहे सही आ रहा है, बट पूरी कोशिश करें कि आंसर हर एक स्टूडेंट दे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है स्टूडेंट आप लोगों को कि फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द वोल्टेज वीएबी इज, ठीक है, कि जो आपको सर्किट गिवन है इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको वोल्टेज वीएबी को कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, कि एक सर्किट आपको गिवन है जिसके लिए आपको क्या करना है, वोल्टेज वीएबी को कैलकुलेट करना है। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है, ऑन है फिर भी? अविनाशी, कई बार आपका YouTube की या सर्वर की कई चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती हो तो स्लाइड के ऊपर आपका कॉर्नर पर एक नंबर आपको WhatsApp नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप कुछ मैसेज करके लिख दें, ठीक है, या नोटिफिकेशन लिख कर डायरेक्टली भेजें, आपको नेक्स्ट क्लास से ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको WhatsApp पर भी आने लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा स्टूडेंट आपको, ठीक है, कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको नोड वोल्टेज या आपको किसी ब्रांच में करंट पूछता है तो 90% में क्वेश्चन करने का जो सबसे सिंपल वे है स्टूडेंट आप लोगों का और सबसे सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो होता है आप लोगों का नोडल एनालिसिस या किरचॉफ करंट लॉ केसीएल से आपका, ठीक है। तो अब फंडामेंटल देखें आप लोग कि यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया स्टूडेंट इस तरीके से कि अगर हम यहाँ पर लेके चलें इस बी को भूल भी जाते हैं, मैंने एज्यूम किया यहाँ पर कि वोल्टेज वी एक्स इस तरीके से नोड वोल्टेज आपका, ठीक है। अब नोड वोल्टेज वी एक्स आपने एज्यूम किया, किसी भी ब्रांच में करंट गिवन नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया कि 5 ओम के अक्रॉस इस तरीके से करंट आपका आई वन है, ठीक है, इस ब्रांच में आपका करंट इस तरीके से आई टू है और नेक्स्ट जो आपकी लास्ट ब्रांच बच रही है इसमें आपका करंट आई थ्री है, ठीक है, इतना। तो अब फटाफट ले लेते हैं और ए नोड को मैं क्या ले रहा हूँ इस तरीके से, हम ग्राउंड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब केसीएल अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट हम लोग, सिंपल क्या कर रहे हैं कि केसीएल एट नोड वी एक्स आपका,
ठीक है, कि नोड वी एक्स है, जहां पर वोल्टेज वी एक्स है वहां पर क्या कर दे रहे हैं हम, केसीएल को अप्लाई कर दे रहे हैं। तो सिंपल केसीएल अप्लाई करेंगे तीनों आउट गोइंग करंट आपकी, तो क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री और इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों हुआ है, क्योंकि कोई भी इनकमिंग करंट इस जंक्शन पर या इस नोड पर नहीं है आपकी। तो सबसे पहले आई वन की वैल्यू को देखेंगे, तो सिंपल क्या आएगा आपका, वी एक्स माइनस जीरो इज डिवाइड बाई 5 ओम। ठीक है, प्लस आई टू की वैल्यू को देखेंगे तो क्या आएगा आपका, वी एक्स माइनस, और माइनस माइनस ये आपका माइनस है ये प्लस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 50 इज डिवाइड बाई 10 आपका। ठीक है, प्लस आई थ्री अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा सिंपल आपका, वी एक्स माइनस, जहां से करंट निकलता है उस नोड के वोल्टेज से माइनस करते हैं जहां आपका जा रहा होता है, जहां एंटर कर रहा होता है, तो 10 वोल्ट पर एंटर कर रहा है, तो माइनस 10 इज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इस ब्रांच का 5 ओम आपका, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट फटाफट इसका। आप लोग आंसर देते रहे, अप्लाई केसीएल एट बी, बिल्कुल आपका ठीक है, आंसर सभी लोग देते रहे, फिर हम लोग इस तरीके से चेक कर रहे हैं सबका आंसर। एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 2 VX आपका इस तरीके से, प्लस यहाँ पर आपका VX प्लस 50, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका प्लस 2 VX और माइनस 20 डिवाइड बाई 10 आपका एलसीएम आना है, उसे हमने जीरो में मल्टीप्लाई करके जीरो कर लिया, तो 2 + 1 3 और 3 + 2 आपका 5 VX। ठीक है, 50 - 20 आपका इस तरीके से कितना हो जाएगा आपका, 30 आपका राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो -30। वी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट आपकी, -6 वोल्ट आपका क्या आएगा यहाँ से वी एक्स। अब ध्यान से देखो कि वी एक्स को अगर मैं डिनोट करूँ तो वी एक्स आपका वोल्टेज आपका बी से ए तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, वी बी ए हम लिख सकते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी ए बी। ठीक है, तो वी ए बी अगर आप पोटेंशियल, अगर आप इस तरीके से पॉइंट को क्या कर रहे हैं आप लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, माइनस ऑफ वी बी ए, तो सिंपल कितना आ जाएगा इस तरीके से आपका, +6 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से आपका, ए से लेकर बी तक का वोल्टेज। तो जनरल एक इक्वेशन इस तरीके का स्टूडेंट आप लोगों को जेई और ए लेवल दोनों लेवल पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच को पूछता है। ठीक है, तो आंसर जो आपका आएगा दैट इज ऑप्शन ए, आप लोगों का क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग जी, सभी लोग फटाफट लाइव आए स्टूडेंट, आप लोग क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, 4 बज चुके हैं आपकी। ठीक है, और लाइव आते ही स्टूडेंट सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है, सभी फ्रेंड्स को सभी ग्रुप्स में आप लोग शेयर करें। ठीक है, ए होगा या नहीं, वी माइनस 10/5, ठीक है, प्लस V/5 - 5। ठीक है रचित जी, कैसे लिखें इक्वेशन को ये तो पता नहीं चल रहा है, बाकी मेथड आपके सामने पर, अगर आप कोई और मेथड भी यूज कर रहे हैं तो वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं स्टूडेंट हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर सर्किट से क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, तो जरा सभी लोग कोशिश करेंगे, जनरल से क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के। ठीक है, जो आपको जेई और एई दोनों लेवल पर आप लोगों को बेसिकली पूछता भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को, कि द करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर इज 50। कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए करंट गेन क्या होता है आपका, बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 गिवन है। आगे क्या लिख रहा है, कि द करंट चेंज इन एमिटर करंट 4। ठीक है, कि चेंज इन एमिटर करंट आपको आपको कैलकुलेट क्या करना है, कि एमिटर करंट में क्या चेंज आएगा, एमिटर करंट करस्पॉन्डिंग टू चेंज ऑफ 5 mA इन बेस करंट। यदि आपका बेस करंट में कितने का चेंज हो रहा है आपका, 5 mA का चेंज हो रहा है, तो एमिटर करंट में कितना चेंज होगा। ठीक है, वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर दिया ऑप्शन ए। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का, आपको करना क्या है सिंपल, आपको कि हमें पता है कि एमीटर करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, कलेक्टर करंट और बेस करंट का समेशन आपका क्या होता है इस तरीके से, एमीटर करंट। अब बेस करंट तो गिवन है, कलेक्टर करंट आपको गिवन नहीं है, बट हमें एक और चीज पता है कि कलेक्टर करंट जो आपका होता है वो कैसे होता है आपका, बीटा इंटू आई बी। इस तरीके से क्या होता है आपका, कलेक्टर करंट डिफाइन होता है। अब वैल्यू रखें फटाफट, बेस करंट कितना आपका 5 mA प्लस बीटा आपका 50 और मल्टीप्लाइड बाई 5 आपका, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से, 5 + 250 आपका। ठीक है, तो सिंपल कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 255 mA आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ से, आपकी एमीटर करंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो एमीटर करंट जो आपका निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 255 mA। ठीक है, ऑप्शन ए गौतम जी कैसे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी आप लोगों का, ऑप्शन ए कैसे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन डी आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपकी करंट निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 255 mA। आपको एमीटर करंट निकालनी है, ये देख लें इसे ध्यान से। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, एमीटर करंट। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या आएगा आपका इस तरीके से राइट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन ए किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, ध्यान से देखें क्वेश्चन को और उसके बाद सॉल्व करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ लॉजिकल या कुछ बहुत टफ क्वेश्चन आपका, ठीक है। जनरल फॉर्मूले जो आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े भी हैं वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा ध्यान से दें, मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन लिख क्या रहा आपको, आपको करंट गेन गिवन है 50, तो क्या होता है बीटा होना आपका, कॉमन एमिटर के लिए लिख रहा है क्योंकि, फिर आपको एमिटर करंट कैलकुलेट करनी जब बेस करंट गिवन है, तो कलेक्टर करंट निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आंसर हर एक स्टूडेंट दे, जितने लोग आप लोग लाइव हैं, चाहे आपका गलत आंसर आ रहा है चाहे सही आंसर आ रहा है, आंसर जरूर दें, थोड़ा सा पता तो चले कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, आपको खुद भी पता चलेगा कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है आपका, ठीक है। अगर कहीं पर गलती हो रही होगी तो आपको भी पता चल जाएगी कि ऐसा गलत आप लोग एग्जाम में भी कर सकते थे, ठीक है। इंग्लिश में कुछ और कहा है, इंग्लिश में कुछ और क्या कहा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिख रहा है आपको, तो धारा की 50 है, बेस धारा 5 मिली एम्पियर है, ठीक तो है, सेम तो है, ठीक है, सेम ही तो लिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेट स्लो चल रहा है तो आप आंसर देते रहें, चाहे स्लो दे रहे हैं फास्ट दे रहे हैं, ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं। क्या लिख रहा है आपको कि एस सी आर हैज थ्री टर्मिनल्स, तो मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया स्टूडेंट आपका कि एस सी आर क्या होता है आपका, सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, सिलिकन कंट्रोल्ड, ठीक है, इस तरीके से आपको याद भी रखना है, सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आपका, ठीक है। तो एक ऐसा रेक्टिफायर, ये जनरल या नॉर्मल रेक्टिफायर से डिफरेंट कैसा होता है स्टूडेंट आपका, अलग कैसे होता है, हमेशा याद रखें। नॉर्मल रेक्टिफायर में या तो आपकी क्या है कि इस तरीके से आपकी हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव आएगी, या फिर आपकी क्या आएगी फुल वेव रेक्टिफाइड आएगी, ठीक है। अब अगर आप कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आपकी वेव फॉर्म आप लोगों ने देखी होगी कि कई बार स्टार्टिंग से ना आकर आपका इस तरीके से आपकी वेव फॉर्म आ जाती है, ठीक है, कि आपका स्टार्टिंग का पार्ट क्लिप होकर आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका जितना डिजायर्ड आपका आउटपुट में होगा उतना आपका क्या होगा, रेक्टिफाइड होकर आएगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, आपका सिलिकन से बना हुआ होता है इसलिए आपको क्या कहते हैं, सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जर्मेनियम यूज नहीं होता, आगे क्वेश्चन आएगा क्यों यूज नहीं होता वो बताएंगे भी आपको, ठीक है। बट गया लुकिंग नाइस, ठीक है, धन्यवाद जी, ठीक है। वो लॉकडाउन चल रहा है आपका कंप्लीट, आपको भी पता है कि कोरोना चल रहा है, तो खतरे को देखते हुए ये मजबूरी बन चुकी है कि चाहे वो बियर्ड हो आपकी चाहे आपके बाल हो, वो रखने पड़ रहे हैं, ठीक है। वो नाइस तो क्या होना है, खैर उसने वो कट जाते हैं अगर आपके ये आपका इस तरीके से कोरोना ना चल रहा होता, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन पर आए, बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे कि एस सी आर हैज थ्री टर्मिनल। क्वेश्चन ने खुद कहा है कि एस सी आर में आपके थ्री टर्मिनल होते हैं, अब कौन से टर्मिनल होते हैं ये आपको बताना है। तो एस सी आर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं स्टूडेंट आपके, एनोड होता है, कैथोड होता है और ग्रिड होता है आपका। तो एनोड, कैथोड और ग्रिड आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका सेकेंड आंसर या ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम नंदलाल जी, ठीक है, फटाफट लाइव आए सभी लोग और आंसर देते रहे। ऑप्शन बी क्या आएगा आपका इस तरीके से, या ऑप्शन सेकंड क्या आएगा आपका इस तरीके से, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। जर्मेनियम का लीकेज करंट ज्यादा होता है इसलिए नॉट यूज, बिल्कुल सत्यम पटेल जी ने बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पर आपका, कि क्योंकि आपका जर्मेनियम का जो आपका लीकेज करंट होता है वो सिलिकन के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है आपका, माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है आपका, ठीक है। फायरिंग इक्वल, बिल्कुल आपका प्रेम प्रकाश जी ने भी बिल्कुल बात सही लिखी है कि फायरिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है यहाँ पर, आपका रेक्टिफाइड आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। आगे इसी तरीके से आंसर देते रहे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपको कि ग्रे कोड फॉर नंबर 7 इज, कि जो आपका डेसिमल नंबर 7 है आपका, ठीक है, डेसिमल नंबर 7 के लिए आपका जो आपका ग्रे कोड होता है। अब ग्रे कोड कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखें मेरे साथ, जिन लोगों को पता नहीं है कि सबसे पहले 7 को, 7 के आपका डेसिमल नंबर है, इसको आप सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में लिखें। तो 7 का बाइनरी, जैसे मुझे तो डायरेक्ट याद है, ठीक है, तो 15 तक वैसे आप लोग भी कोशिश करेंगे आपको डायरेक्ट याद हो, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 0111 आपका इस तरीके से बाइनरी नंबर। अब इसका क्या लिखना आप लोगों को, ग्रे कोड इस तरीके से लिखना है, इसको किस में रिप्रेजेंट करना है आपको, ग्रे कोड में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट बिट या एमएसबी बिट को एज इट इज लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। इसको कैसे लिखना है, एज इट इज लिखना है, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, 111 आपका, ठीक है। तीनों को क्या कर देते हैं इस तरीके से, आपको इस तरीके से लिख दिया हमने, एमएसबी पर जो बिट है आपकी वो तो आपकी एज इट इज आएगी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका होगा, जो आपकी कंजिक्यूटिव बिट्स हैं स्टूडेंट आपकी, उनका क्या होगा आपका एक्सोर, तो 0 और 1 का एक्सोर आपका 1 आएगा आपका, ठीक है। फिर 1 और 1 का एक्सोर अगर आप करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, दोनों सेम है तो आउटपुट 0, ठीक है। दोनों का एक्सोर आपका कंजिक्यूटिव बिट्स का एक्सोर करते जाना है, तो दोनों सेम है तो आपका आउटपुट क्या आएगा इस तरीके से 0, ठीक है। तो ग्रे कोड जो आपका निकल के आता है स्टूडेंट यहाँ से आपका कितना आएगा आपका 0100, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से
ग्रे कोड आपका निकल के आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन पर आपको वहीं पर लिमिटेड नहीं होना है जहां पर आपका क्वेश्चन गिवन है। अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को, अगर मैं कोड बोलता आपको, ये आपको ग्रे कोड गिवन है, ठीक है, ये आपका क्या एक ग्रे कोड गिवन है, और आपको क्या कहा है मैंने कि इससे बाइनरी कोड को जनरेट कराओ। अब बाइनरी को कैसे जनरेट कराएंगे स्टूडेंट, अगर मैं यहां से बाइनरी को देखता हूँ इसी क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो बाइनरी जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट आपको, कि एमएसबी बिट को एज इट इज लिखना है, ठीक है। एमएसबी बिट को हमेशा आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है, और जो आपकी ये बिट आई है इसका एग्जॉर करना है नेक्स्ट बिट के साथ, और एग्जॉर होकर जो आपका आएगा वो आपका यहाँ पर, तो 0 और 1 का एग्जॉर 1 आपका, फिर आपका इसका एग्जॉर होगा आपका नेक्स्ट बिट के साथ, तो 0 और 1 का एग्जॉर 1 आपका, फिर इसका एग्जॉर करना है आपको इस तरीके से नेक्स्ट बिट के साथ, ये कितना आएगा आपका 1 इस तरीके से आपका, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम आपका क्या गया, इस तरीके से आपका फिर से 7 रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आंसर जो निकल के आ रहा है ऑप्शन डी, तो ये आपका क्या था, इस तरीके से बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या आपका ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, ये क्या आपका ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन इस तरीके से आपका, ठीक है। तो दोनों चीजें इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, मेरी तरह सो के उठ रहे, ठीक है, ये क्या आपका इस तरीके से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपकी। तो दोनों को आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जेई लेवल पर भी और एई लेवल पर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट आप लोगों का, द कॉमन मोड सिग्नल इज अप्लाइड टू, ठीक है। अब क्वेश्चन कहां से स्टूडेंट आप लोगों का, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, फटाफट लाइव आते जाएं और आंसर देते जाएं आप सभी लोग, ठीक है, सारे स्टूडेंट आंसर दें और तेजी से आंसर दें। आप लोग फालतू की बातें ज्यादा करने लगे आजकल और काम की बातें बिल्कुल कम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग आपस में भी बातें करते रहे, हंसी मजाक भी करते रहे, बट आंसर पूरे देते रहे, ठीक है। बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी एक्सओआर ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपको, कि द कॉमन मोड सिग्नल इज अप्लाइड टू, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि दो चीजें होती हैं आपकी, कॉमन मोड इनपुट होता है आपका या कॉमन मोड गेन होता है, और एक होता है आपका डिफरेंशियल मोड आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है, डिफरेंशियल मोड आपका, ठीक है। तो अब अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं तो यह क्या होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल या आपका नॉन इन्वर्टिंग। तो ये यहां से आपका इन्वर्टिंग इनपुट, नेगेटिव इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मीन्स आपका पॉजिटिव इनपुट, और यहां से आपका क्या आता है इस तरीके से आपका आउटपुट वी नॉट आपका, ठीक है। तो कॉमन मोड बोलने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का कि आपका दोनों इनपुट पर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और आपका फेज एंगल भी सेम होगा, ठीक है। डिफरेंशियल मोड बोलने का मतलब आपका कि आपका मैग्नीट्यूड तो आपका दोनों इनपुट पर सेम होगा बट फेज आपका कैसा होगा, जस्ट अपोजिट फेज होगा, ठीक है। फेज कैसा होगा स्टूडेंट आप लोगों का, अपोजिट फेज होगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखें कॉमन मोड के केस में आप लोगों कि हमेशा क्या होता है आपका कि सिग्नल जो अप्लाइड होता है आपका वो दोनों इनपुट पर अप्लाइड होता है, दैट इज एट बोथ इनपुट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड, या आप लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी, इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आंसर देते रहे सभी लोग और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे स्टूडेंट आप लोग, और कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप लोग जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में, सर एक दिन टॉपिक का बेसिक लेवल देन मॉडरेट देन हाई लेवल पर सेम टॉपिक लें, ठीक है। बिल्कुल अंकित जी, मॉर्निंग सेक्शन में, मॉर्निंग क्लास में आपका उसी तरीके से चल रहा है, और शायद जल्दी आपका हो सकता है कि मॉर्निंग सेशन का थोड़ा सा टाइम बढ़ के इवनिंग सेशन की क्लासेस आपकी शायद ब्रेक हो जाएं, ठीक है। तो जल्दी इस तरीके से भी आपको मॉर्निंग में हम इसी तरीके से लेकर चल रहे हैं कि पहले मॉडरेट लेवल में हर एक टॉपिक का, वो बेसिक लेवल हर एक टॉपिक का भी डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन लिख रहा है आप लोगों को कि गिवन द डेसिमल नंबर, ठीक है, एक डेसिमल नंबर आपको गिवन है -19, ठीक है, -19 -19 का नंबर आपको गिवन है, एंड 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय, एक 8 बिट का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आपको करना क्या है कि -19 को टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, और कैसे रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट की फॉर्म में, ठीक है, 8 बिट की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको एग्जाम में आए तो आपको पॉजिटिव 19 देखा आपने, और पॉजिटिव 19 का आप बाइनरी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो बाइनरी कैलकुलेट करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18 रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1, ठीक है, फिर आपका 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 1 जा 1 रिमाइंडर 0, फिर 2 0 जा 0 रिमाइंडर आपका 1, इस तरीके से इसे लिख दो डाउन टू अपवार्ड। तो नंबर क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1 1 0 0 1 आपका, ठीक है इतना। अब आगे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट,
वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, वन को जीरो से रिप्लेस और जीरो को वन से रिप्लेस, तो जीरो जीरो वन वन जीरो आपका, ठीक है इतना। अब यहां से अगर आप इसका देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट आप लोग, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम जनरली क्या करते हैं आपका कि वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, इस तरीके से वन ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा वन वन। अब एक मिनट, थोड़ा सा एक गलती हो गई स्टूडेंट आपकी, किस तरीके से आपको बताना, किसमें, आपको 8 बिट के कॉम्बिनेशन में, इसको मैंने 8 बिट में लिखना भूल दिया है, ठीक है। तो इसको पहले 8 बिट में रिप्रेजेंट करो, ये तो आपका माइनस, ये नॉर्मल 19 आया था, 1 2 3 4 5, 5 बिट आई आपकी 6 7 8, ठीक है। तीन हमने जीरो ऐड कर दिए, ठीक है। इसका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे तो वन वन वन, ये था आपका वंस कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से। अगर आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे तो सिंपल कितना आ जाएगा, इस तरीके से वन ऐड हुआ था तो ये आपका 1 0 0 और आपका इस तरीके से 111 आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखें आंसर क्या निकल के आ रहा है इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, ठीक है। ओहो, इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करें भाई, ठीक है। यहाँ पर नंबर थोड़ा सा गलत लिख दें हम लोग, उल्टा लिख दें इसके रिप्रेजेंटेशन को, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डाउन टू अपवार्ड लिखना आपको, तो डाउन टू अपवार्ड लिखेंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है, और ये आपका 11। 8 बिट में लिखना आपको, ठीक है, तो 8 बिट में लिखना है तो 1 0 0 0। अब सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका 1 1 1 और ये 0 1 1 0 0, ठीक है। ये क्या आपका, ये आपकी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसकी टूज कॉम्प्लीमेंट लिखनी है तो प्लस वन कर दीजिए इसमें, ये सिंपल कितना आ जाएगा 1 0, फिर आपका 1 1 और 0 और ये आपका 111। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, जो बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होकर आया है, ये है आपका -19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उल्टा हो गया था, ठीक है। तो इसको आंसर को थोड़ा सा देख लें, उल्टा लिख दिए थे हम लोग, ठीक है। हमने इसको डाउन टू अपवार्ड लिख दिया था, जबकि लिखना कैसे आपका अप टू डाउन वार्ड लिख दिया था, जबकि लिखते हैं हम लोग कैसे डाउन टू अपवार्ड, ठीक है। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो ऑप्शन बी आप लोगों का क्या निकल के आ रहा है, राइट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा एक कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे आपका 19 का, बिल्कुल आपका, ठीक है, चाहे आपका क्या इस तरीके से जेई का एग्जाम है या एई का एग्जाम है स्टूडेंट, ऐसा एक जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों को, चाहे वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट से हो, ठीक है, या वंस कॉम्प्लीमेंट से हो, या आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से हो, या आपका टेंथ कॉम्प्लीमेंट से हो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता भी है। तो आप लोग लाइव बने रहें क्लास में, 9 और 10th कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट आंसर देते रहे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को कि SCR इज समटाइम्स कॉल्ड, ठीक है, कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को जनरली क्या कहते हैं या आप लोग और क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या SCR की अगर मैं बात करूं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, ठीक है, फटाफट लाइव आते जाएं, बिल्कुल शशांक जी अभी राइट हो गया, वो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था तो हो जाता है, इतना तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। आंसर देते रहे, बाइनरी से 8 बिट बना के टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कि SCR को और क्या कहते हैं, तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थायरोट्रॉन से बनकर इस तरीके से क्या होता है आपका फैमिली में डिफाइन होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि SCR को हम जनरली और क्या कहते हैं, ऑप्शन फोर्थ और ऑप्शन डी, इस तरीके से आपका राइट आंसर, दैट इज थायरिस्टर। डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं, एक स्विचिंग सर्किट आप लोगों को, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी आपके स्टेट लेवल के, अगर मैं जेई लेवल के एग्जाम की बात करूं कि स्टेट में जो आपका जेई लेवल के एग्जाम, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का हो, इस टाइप का एक स्विचिंग सर्किट का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में अक्सर पूछता है स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को कि फॉर द सर्किट शोन या फॉर द स्विचिंग सर्किट द टेकिंग ओपन एज जीरो, कि ओपन सर्किट का मतलब आपका जीरो और क्लोज सर्किट का मतलब आपका क्या होता है इस तरीके से आपका वन आपका। द एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट वाई इज, ठीक है, कि एक्सप्रेशन जो आपका वाई के लिए आएगा वो किस तरीके से आएगा आपका, ठीक है, थायरिस्टर बिल्कुल आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को स्टूडेंट इस तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्विचिंग सर्किट से आपको, ठीक है, ठीक है, ऑल आर फ्रॉम थायरिस्टर फैमिली, बिल्कुल श्यामल जी ने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैक्सिमम लोग दे रहे हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आंसर इसी तरीके से देते रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी कि फॉर द स्विचिंग सर्किट, ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि सीरीज स्विच में, ठीक है, इस तरीके से क्या करना आपको,
सीरीज में अगर आपके स्विच कनेक्ट होंगे तो सीरीज स्विच के केस में आपको क्या करना है, एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको, एंड ऑपरेशन कर देना है, ठीक है। स्विचेज अगर आपके पैरेलल में कनेक्ट है आपके, ठीक है, तो पैरेलल स्विचिंग के केस में आपको, या पैरेलल स्विच के केस में आपको क्या करना है, इस तरीके से और ऑपरेशन आपको परफॉर्म कर देना है, ठीक है। पैरेलल स्विच के केस में क्या करना है आपको, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ध्यान से देखो कि बी और सी सीरीज में है तो दोनों के बीच एंड ऑपरेशन, तो बी डॉट सी आपका, ठीक है। और ये पैरेलल में है किसके साथ, यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो ये पैरेलल आपका डी के साथ। तो सिंपल कैसे हो जाएगा आपका, कि यहाँ अगर आप इतना लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू सी और प्लस डी, और ये होल कॉम्बिनेशन आपका सीरीज में है किसके साथ, आपका ए के साथ। तो यहाँ से सीरीज में ए के साथ है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी प्लस डी। जैसा आप लोगों ने आंसर दिया भी है, आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी इस तरीके से राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट इसी तरीके से आंसर देते रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें आप लोग, ठीक है। सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस तरीके से क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं स्टूडेंट मैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिख रहा है आप लोगों को, क्या ऑप्शन बी नहीं होगा सुचिता जी, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है, ध्यान से देखें, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी निशा जी, जितने भी लोग ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, और गेट पैरेलल एंड एंड गेट सीरीज, बिल्कुल श्यामल जी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को, कि ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज कंप्यूटेड एट कॉन्स्टेंट वीडीएस, ठीक है। एक ट्रांस कंडक्टेंस जो आपका होता है वो कैलकुलेट होता है एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए जब आपका वीडीएस कॉन्स्टेंट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है आपका, ठीक है। सर ओपन स्विच है, बिल्कुल ओपन स्विच है आपके, पर वो कंडीशन लिखी हुई है अक्षय जी आपकी, ओपन स्विच हो क्लोज स्विच हो, वो क्वेश्चन ने कहा नहीं आपको, वो एक कंसीडर आपको कंडीशन गिवन है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से आंसर क्या आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, कि ट्रांस कंडक्टेंस को आप लोग हमेशा याद रखें, कि ट्रांस कंडक्टेंस जीएम क्या होता है आपका, कि रेट स्टैंडर्ड, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट, ये आपका बीजेटी एफईटी सबके लिए स्पेशल हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू, इस तरीके से अगर आप देख के देंगे कि किसके रिस्पेक्ट में आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट का इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली अगर आपका आउटपुट करंट चेंज हो रहा है तो दैट इज नोन एज ट्रांस कंडक्टेंस। और जंक्शन फील्ड इफेक्ट के ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ, इस तरीके से आप लोग अगर लेकर भी चलते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर आप इस तरीके से लेकर भी चलते हैं कि फोर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक जेफेट के लिए अगर आप देखते हैं तो ट्रांस कंडक्टेंस जी एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल आई डी ओवर डेल वी जी एस, ठीक है, ये क्या होता है आपका, इस तरीके से ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला। और यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि एट कॉन्स्टेंट, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वी डी एस क्या होता है आप लोगों का, कॉन्स्टेंट होता है, तो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आई डी टू द वी जी एस, ठीक है, आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका, ऑप्शन ए इस तरीके से क्या आएगा स्टूडेंट आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना ऑप्शन सी कैसे आंसर दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट नहीं होता आपका, ठीक है, ध्यान से देखें, प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, हैज लीकेज करंट, स्मॉल लीकेज करंट, वेरी गुड, ठीक है, श्यामल जी ने और विकास जी ने वेरी गुड ठीक लिखा है कि लीकेज करंट आपका कम होता है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका कम होता है यहाँ पर, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है आपका एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपको, कि एन एस सी आर इज मेड ऑफ सिलिकन नॉट जर्मेनियम, सिलिकन से आपका सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को बनाया जाता है बट जर्मेनियम से नहीं बनाया जाता है, क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आपका जो लीकेज करंट आपका जर्मेनियम के केस में होता है वो होता है आपका किस रेंज में, माइक्रो एम्पियर रेंज में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ लीकेज करंट ऑफ सिलिकन की, तो सिलिकन के लिए ये जो होता है आपका किस रेंज में होता है आपका, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी तो नैनो एम्पियर रेंज में आपका क्या होता है, लीकेज करंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि लीकेज करंट ऑफ सिलिकन इज वेरी वेरी लेस देन लीकेज करंट ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम में लीकेज ज्यादा होता है इसीलिए आपका जर्मेनियम यूज नहीं होता है ज्यादा, ठीक है, तो हैज स्मॉल लीकेज करंट, आप आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड, आप लोग जैसे भी आंसर लिखें इस तरीके से आपका क्या आएगा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं डायरेक्टली चल रहा हूँ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ए लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आपका एक स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के लेंथ ही पर ना जाए, मैं पहले बता रहा हूं आपको कि दो लाइन का क्वेश्चन आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दो लाइन का क्वेश्चन आपका, ठीक है। जितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको लिखा गया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर बिल्कुल ना जाए। स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का UPSC AE इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप लोगों का इस तरीके से कोई भी आपका ए लेवल का अगर पेपर है आपका, तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका दिखने में बहुत लेंथी है, भले सॉल्यूशन हम पहले बता रहे हैं कि दो लाइन का सॉल्यूशन आपका, बहुत जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, इस क्वेश्चन पर आंसर दें फटाफट और सारे स्टूडेंट आंसर दें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को पढ़ें। मैं पहले ही कह रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ दो लाइन का आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपको कि सर्टेन एंटीना रेडिएट्स टोटल पावर, ठीक है। बस ये चीजें आपको ध्यान से देखने की, टोटल पावर कितनी आपकी 100 वाट। आगे क्या लिख रहा है, प्रोड्यूसेस पावर डेंसिटी ऑफ 10 mW/m² एट डिस्टेंस ऑफ 1 km फ्रॉम द एंटीना डायरेक्शन टू द मैक्सिमम रेडिएशन। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सम पावर डेंसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन को बस कॉम्प्लेक्स आपको बनाकर लिख रहा है, आप मेन मेन चीज को देखेंगे तो आपको क्या लिख रहा है कि आइसोट्रॉपिक रेडिएटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका पावर कितना निकल के आ जा रहा है आपका 10 kW। आपको निकालना क्या है, डायरेक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिक सा फॉर्मूला आपका, ठीक है, ट्रांसकंडक्टेंस, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है आपका निक जी, आपका कलेक्ट, आपका आउटपुट करंट चेंज हो रहा है अगर आपका इनपुट के वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली, तो क्या होता है आपका ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है। अब क्या होता है इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों का कि आपको डायरेक्ट याद के रखना है, डायरेक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्टिविटी का जनरल सा जो फॉर्मूला आपका होता है, मैं डायरेक्टली इसमें लिख रहा हूँ आपको, डेसिबल में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर आप लेकर भी चलेंगे पावर आपकी, तो ये कैसा आ जाएगा आपका 10 log of base 10, ठीक है, और पावर रेडिएटेड बाई आइसोट्रॉपिक एंटीना डिवाइड बाई एक्चुअल पावर आपका, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इस तरीके से, जिन स्टूडेंट को पता नहीं भी है वो नोट कर लें। ए लेवल पर चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है स्टूडेंट आप लोगों की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, ठीक है, डायरेक्टिविटी एंटीना का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है, ठीक है। अब वैल्यू रखो फटाफट, सिंपल कितना आ जाएगा आपका इस तरीके से, अगर आप देखेंगे कि 10 log of base 10, आइसोट्रॉपिक एंटीना के लिए आपकी पावर कितनी थी 10 kW, तो 10 × 10³ इज डिवाइडेड बाई एक्चुअल पावर कितना था आपका 100 वॉट, ठीक है। तो इस 100 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आपकी 10 की पावर कैंसिल हो जाएगी, सिंपल कितना आ जाएगा 10 log of base 10, और ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 100 होना था, तो 10 की पावर 2, लॉग के फॉर्मूले से 2 को आगे ला दो, तो ये सिंपल कितना हो जाएगा 20 dB आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ दो लाइन का क्वेश्चन आपको, ठीक है, क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स लिखा गया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतनी ज्यादा आपको थ्योरी लिख कर दी है, ठीक है। दो चीजें आपकी मेनली यूज होनी थी, एक्चुअल पावर और आइसोट्रॉपिक पावर आपकी, ठीक है, या आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर और एक्चुअल पावर, ये दोनों चीजें यूज होनी थी। बाकी क्वेश्चन में सारी क्या लिखी गई, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक तरीके से रामायण लिखी गई है, ठीक है, ठीक है। तो हंसी मजाक भी काफी चल रहा है, बट आंसर भी देते रहें, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करते रहें, जो भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बट आंसर जरूर देते रहें, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इस तरीके से, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर। तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर, इसको नोट कर लें, जिन लोगों को पता नहीं है चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें, या चाहे तो नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। इस तरीके से आपका सुबह की क्लास आपकी 7 बजे होती है, शाम की क्लास आपकी 4 बजे होती है, दोनों टाइमिंग याद रखें। सुबह आपका जेई लेवल पर क्लास होती है, शाम को आपकी ए लेवल पर क्लास होती है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज, जिसमें इसरो टेक्निकल असिस्टेंट हर इलेक्ट्रॉनिक्स के जेई एग्जाम के लिए डिजाइंड है, ठीक है। राजस्थान जेई आपका हर ए लेवल के एग्जाम के लिए आपका है, ठीक है। इसी तरीके से गेट 2021 आपका, इस साल जो आपका गेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका एक बैच आपका, गेट 2022 फाउंडेशन बैच आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें आपका, ठीक है, जो आपके सारे सब्जेक्ट जिसमें आपके डिटेल में चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको जेई और ई लेवल दोनों पर पूछता है, ठीक है। टेंस कॉम्प्लीमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर द फॉलोइंग डेसिमल, ठीक है, इस डेसिमल नंबर के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट, चाहे आपको ऑड कॉम्प्लीमेंट गिवन हो या आपको इवन कॉम्प्लीमेंट गिवन हो, ठीक है, तो जब भी आपको ऑड कैलकुलेट करने को बोले तो जिस नंबर से कैलकुलेट करने को बोल रहा है उस नंबर की मैक्सिमम वैल्यू को लिख दें। 3's कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है या 1's कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले बोल रहा है तो 1 की मैक्सिमम वैल्यू से घटा दो, 3's बोल रहा है तो 3 से घटा दो,
फाइव बोल रहा है, फाइव से घटा दो, सेवन बोल रहा है, फिर नाइन बोल रहा है। और इवन कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो ये कैसे होता है आपका, ऑड प्लस वन आपका, ठीक है। जनरल आप एग्जाम्पल टूज कॉम्प्लीमेंट का देख सकते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, सेम काम यहाँ पर करना आपको, ठीक है। तो अब सेम काम यहाँ पर करना आप लोगों को, आप ध्यान से देखें कि टेंस कॉम्प्लीमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला नंबर मैं लेकर चल रहा हूँ कि आप लोगों का 5, 4, 3, 6, तो सबसे पहले इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो नाइन की मैक्सिमम वैल्यू 4 टाइम 9 आएगी, इसके लिए घटा दो इसे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल कितना आएगा आपका 3, यह आ जाएगा आपका 6, यह आ जाएगा आपका 5 और यह आ जाएगा आपका 4। अब अगर आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जनरल क्या कर दो इसके साथ, प्लस वन आपका, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और ये आपका 6 और ये आपका 5 और ये आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट जो इसके लिए आएगा 5 4 6 4, बिल्कुल सही है आपका 5 4 6 4, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट, आपको बताना इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं बताना है, ये जो ऑप्शन ए दे रहे हो ना आप लोग, करेक्ट नहीं बताना है, ध्यान से देखो, आई एन भी लिखा हुआ आगे से, इनकरेक्ट बताना आप लोगों को। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट नंबर पर आ जाओ, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर क्या आपका 1932, 1932 आपका। तो सबसे पहले इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैक्सिमम नाइन की वैल्यू लिखो और उससे घटा दो इसको, तो यह आ जाएगा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, कितना आ रहा आपका 9 माइनस 2 7, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 6 आपका, ये 0 और ये आपका इस तरीके से 8 आपका, ठीक है। अब इसका अगर आप टेंथ कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो टेंथ कॉम्प्लीमेंट क्या कर देना है, प्लस वन आपका, 7 प्लस 1 8 6 0 8, 8 0 6 8, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड पर आते हैं, ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका क्या लिख रहा है इस तरीके से, अगर मैं लेकर चलता हूँ 45.15, तो पॉइंट वाले नंबर में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू लिखो 99.99, आप करो सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा आपका 4, फिर आपका 8, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 4, यह आ जाएगा आपका 5, ये क्या निकल गया है आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, प्लस कर दो इसके साथ इस तरीके से आप, कितना यहां से अगर आप देखोगे भी तो 10th कॉम्प्लीमेंट अगर इस नंबर का निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का ऐड करने पर 1000 मिले, सिंपल ट्रिक, ठीक है। अच्छा क्या लिख रहे हैं आपको, दोनों को ऐड करने पर आपका कितना निकालना चाहिए 1000, बिल्कुल ये भी बात सही कही है श्यामल जी ने कि दोनों को ऐड करो और आपका टोटल कितना निकलना चाहिए आपका 1000 निकलना चाहिए। जरा 45.15 इस तरीके से, ठीक है, और आप इसको ऐड करो जरा 54. इस तरीके से 58 आपका, ठीक है, या आप अगर ऑप्शन सी और डी में से दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करो, 1000 कभी नहीं आने का आपका, ठीक है, वो 1000 आपका ऐड करके कभी नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो आपका किस तरीके से आ जाएगा, कि यहाँ अगर आप 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इस तरीके से 84, ठीक है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 84. तो ये आ जाएगा 5.84। एक तो आपका ऑप्शन सी ही आपका इनकरेक्ट है पहले, ठीक है। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, 18.293, तो 99.999 में से आप सबसे पहले इसको माइनस कर दो, 18.293 आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, फिर आपका 0, फिर आपका 7 और ये आपका आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है, और प्लस इसके साथ क्या करना आपको इस तरीके से अगर आप लेकर भी चलेंगे, यहाँ से अगर आप क्या लेकर चलते हैं, ठीक है, 54 प्लस 1 5, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कुछ बैच नहीं है सर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ही कुलदीप जी स्पेशल क्लास चल रही है आपकी, ठीक है, जो स्पेशल सेशन अभी आपका चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ही आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको जनरल क्या करना है, ठीक है, एक मिनट, इसमें आप लोग इस तरीके से देख कर चलें कि आपको क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसमें ऐड करेंगे 1 इस तरीके से, ठीक है, तो ये जनरल कितना आ जाएगा आपका 81.806 इस तरीके से, ठीक है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो मतलब आपको कि एमएसबी बिट पर आपको क्या करना है इस तरीके से 1 को ऐड करना है, ठीक है। तो आंसर जो निकल के आ रहा है स्टूडेंट आपका सर, ठीक है, बैटरी की टेंशन मत दीजिए, वो आपका चार्जिंग हो जाएगा, ठीक है, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत दीजिए आप लोग। तो आंसर जो निकल के आएगा इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सी एंड डी आपके क्या यहाँ पर आपके इनकरेक्ट आंसर है आपके, ठीक है, सी और डी के होंगे दोनों आपके इनकरेक्ट आंसर है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका ट्रांसकंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख रहा है, तो जरा फटाफट सभी लोग बताएं, तब तक हम लोग जरा इसकी बैटरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, जरा सभी लोग आंसर दें फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन बी सी सारे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन बी सी डी, वेरी गुड। ठीक है, राहुल जी भी ऑप्शन बी डी। ठीक है, इसी तरीके से आंसर है। क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपको? ट्रांस कंडक्टेंस जी एम ऑफ अ जेफेट इज इक्वल टू, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस जी एम होता है वो कितना होता है? ट्रांस कंडक्टेंस जी एम हमने डिफाइन भी किया था स्टूडेंट आप लोगों का इस तरीके से, डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस। इस फॉर्मूले को अगर आप पूरा देखेंगे तो यहाँ से आपका, अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो सिंपल कितना आता आपका माइनस, ठीक है, या इस तरीके से मैं पूरा आपको डिराइव कराता हूँ। ठीक है, तो आपका आई डी जो आपका ड्रेन करंट होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इस तरीके से फॉर्मूला होता है आपका आई डी एस एस इंटू वन माइनस वी जी एस। ठीक है, इस तरीके से वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर आपका। ठीक है, ये क्या होता है आपका ड्रेन करंट का फॉर्मूला। तो ये आपका ट्रांस कंडक्टेंस, या आपका ड्रेन करंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ट्रांस कंडक्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा? माइनस टू इंटू आई डी एस एस अपॉन वी पी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर टू से जरा आप लोग वन माइनस वी जी एस अपॉन वी पी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? आई डी अपॉन आई डी एस एस का अंडर रूट आपका, ये सिंपल आ जाएगा माइनस टू आई डी एस एस इन अपॉन वी पी, और मल्टीप्लाइड बाई, इसे आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ आई डी अपॉन आई डी एस एस आपका इस तरीके। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा? माइनस टू अपॉन वी पी, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई डी इंटू आई डी एस एस आपका। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, बाकी मैंने डिराइव करके भी रख दिया आपको। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर आप इसका, ये मॉड अगर आप लेकर चलते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ट्रांस कंडक्टेंस मॉड ऑफ जी एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज वी पी इंटू अंडर रूट ऑफ आई डी इंटू आई डी एस एस आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से आप देख कर भी चल सकते हैं कि जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी दैट इज ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका? ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, सी एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। अच्छा, पिछले आंसर दे रहे हैं शायद। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से आपका? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में डी करेक्ट है। अच्छा, लक्ष्मी राव जी लिख रहे हैं डी करेक्ट है, तो चेक कर लेंगे अगर ऐसा है तो। आप लोग चेक कर लें, बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया कि आपको करना किस तरीके से, आप चेक कर लें इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका। ठीक है, तो जरा सभी लोग फटाफट आंसर दें। करेक्ट है डी पिछले क्वेश्चन का। ठीक है शुभम मौर्य जी, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जरा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जरा सारे स्टूडेंट आंसर दें। बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आप लोगों का कि द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टर। ठीक है, कि दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्ट हैं जिनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 12 ओम निकल के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रहा है आपको कि वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर ब्रेक्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 180 ओम। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपका क्या है? ब्रेक हो गया आपका। ब्रेक होने का मतलब क्या? आपका वो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बन गया आपका? 180 ओम। ठीक है, ठीक है, जेबी गुप्ता में डी दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख रहा है आपको कि रेजिस्टेंस ऑफ ब्रोकन वायर इज। ठीक है, कि जो वायर आपकी ब्रेक हुई थी उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? कुल मिला के क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट आप लोगों को, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस आर था आपका, यहाँ से इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आपका वो कितना आपका 180 ओम का आपका रेजिस्टेंस है। दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है आपका, इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी तो 12 ओम आपका दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, रेजिस्टेंस आर वाली ब्रांच अगर आपकी ब्रेक हो गई, रिमूव हो गई, तो जाहिर सी बात है ओपन सर्किट होगा, तो 180 ओम ही आपका क्या बच जाएगा इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको क्या पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन सी मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता आपका आर इक्विवेलेंट, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कितना आपका 12 ओम। दिस इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाई आर इज डिवाइडेड बाई 180 प्लस आर आपका। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल कितना आ जाएगा आपका 18 टू जा 36 आपका, और 18 वन जा 18, 19, 20, 21 क्या आ जाएगा आपका 2160। ठीक है, प्लस आपका 12 आर पर इज इक्वल टू आपका इस तरीके से 180 आर आपका। इसे फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, सिंपल कितना आ जाएगा
है, बिल्कुल। क्लास आपकी आज से स्टूडियो से हो रही है। ये सिंपल कितना हो जाएगा, 12 × 180 या आपका 2160, ठीक है। तो 180 माइनस अगर आप करते हैं 12 को, ठीक है, और डिवाइड करना आपको 2160 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो ये आपका रेजिस्टेंस आर की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट आपकी, दैट इज इक्वल टू 12 पॉइंट, ठीक है, 86 आपका, ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है दैट इज 12.86 ओम, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने सिर्फ राइट आंसर दिया मेरे हिसाब से, सुमित जी ने, बाकी सभी लोग ऑप्शन सी आंसर दे रहे थे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, नन आपका आंसर इनमें से आपका कोई भी नहीं है, ठीक है। जो सी आप लोग रट के आंसर दे रहे हैं वो 180 ओम नहीं बल्कि आपका 18 ओम था आपका, ठीक है। 180 डिवाइड बाई 14 लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं नहीं पता है। आंसर क्या निकल के आएगा स्टूडेंट इस तरीके से आपका, नन ऑफ दीज आप लोगों का यहाँ पर आंसर है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग रट के आंसर दे रहे हैं वहां पर 180 ओम नहीं था, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपका कितना था, 18 ओम था, और 18 ओम अगर आप लेंगे ना, ठीक है, तो आपका आंसर वही आएगा जो आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, 13.86, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर ले, अगर इस तरीके से कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कैलकुलेट कर लें एक बार, ठीक है। कितना हो रहा है, 180 माइनस 12 इस तरीके से आपका, ठीक है, और डिवाइड करना है 2160, तो ठीक है आ रहा आपका 12.86 आ रहा है आपका। कितने कब स्टार्ट होगा, ठीक है, जब जेबी गुप्ता में कंट्रोल कब स्टार्ट होगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट चीज़ें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, चीज़ें आपकी नॉर्मल धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी अब आपकी, ठीक है। जीरो बाई मिस्टेक हुआ था, 180 की जगह 80 होगा तो आंसर सी, ठीक है। वही खुशबू जी हमने भी कहा है कि जो आप लोगों ने आंसर दिया है वो 80 ओम के अक्रॉस दिया, वो जीरो गलती से नहीं हुआ, वो जीरो जानबूझ के किया गया यहाँ पर, ठीक है। बस यही चेक करना था कि आप लोगों ने क्वेश्चन रट कितना रखा है, ठीक है। तो बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर ना दें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद ही आंसर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्टर, ठीक है, कि कौन सा आपका जो आपको ऑप्शन गिवन है इनमें से आपका कौन सा आपका इन्वर्टर आपका, ठीक है। तो आपको इन्वर्टर पहचानना है कि इन्वर्टर कौन सा होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पर स्टूडियो में जा सकते हैं, स्टूडियो में ही हम बैठे हुए हैं, नन होगा, मैंने डिटेल में बनाया है। बिल्कुल गौतम जी, हम भी वही कह रहे हैं कि नन होगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से अगर आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्टर, कि जो आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है इनमें से इन्वर्टर, तो इन्वर्टर बोलने का मतलब क्या आपका, कि अगर आप वन इनपुट दे रहे हैं तो आपका आउटपुट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है, आउटपुट जीरो इस तरीके से। अगर आप इनपुट जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट आपका वन आना चाहिए, ये आपका क्या होता है, एक इन्वर्टर का या नॉट गेट का काम होता है, ठीक है इतना। अब नेक्स्ट ऑप्शन सी, कॉमन एमिट, हमें पता है स्टूडेंट आप लोगों का कि कॉमन बेस एम्पलीफायर हो या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हो आपका, दोनों के केस में फेज शिफ्ट कितना होता है आपका, 0 डिग्री। एकमात्र कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ऐसा सर्किट आपका जिसमें फेज शिफ्ट कितना आता है आपका, यहाँ से अगर आप लेकर भी चलेंगे तो फेज शिफ्ट आपका कितना आता है, 180 डिग्री का आपका, ठीक है। बोलने का मतलब क्या आपका, कि अगर इस तरीके से आप देख कर चलेंगे कि ये अगर आपका क्या है, इनपुट सिग्नल है आपका, ठीक है, ये क्या आपका इनपुट, और ये पास अगर आपका हुआ है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर से, ठीक है। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट से अगर ये सिग्नल पास होता आपका तो आउटपुट जो आपका आएगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट पर, जहाँ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था वहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव एम्पलीट्यूड, जहाँ आपका नेगेटिव एम्पलीट्यूड था वहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से आउटपुट वेव फॉर्म आप, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एक तरीके से इन्वर्टेड वेव फॉर्म, तो क्या आएगा आंसर इस तरीके से स्टूडेंट आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक थियोरिटिकल क्वेश्चन सिंपल सा, तो जरा फटाफट आंसर दें। 93 लोग लाइव हैं, सबसे पहले 93 स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें सबसे पहले, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और आंसर दें जरा, 93 कमेंट एक झटके में इस क्वेश्चन के होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या लिख रहा है इस तरीके से आपको, कि इन केस ऑफ ऑर गेट, ठीक है, एक ऑर गेट के केस में, लॉजिक गेट आपका कौन सा बोल रहा है, ऑर गेट के केस में नो मैटर व्हाट द नंबर ऑफ इनपुट, आपको कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं आपके, एक ऑर गेट की बात कर रहा है कि जिसके केस में आपके नंबर ऑफ इनपुट कितने भी हों, ठीक है। आर वन एट एनी इनपुट कॉजेज आउटपुट टू बी लॉजिक वन, कि वन एट इनपुट कॉजेज आउटपुट जीरो, तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग ऑर गेट के केस में आपका, ठीक है, कि ऑर गेट के केस में एक बात हमेशा याद रखें आप लोग, अगर आपका सिंगल इनपुट वन हो गया कहीं पर भी, मल्टीपल हो तो अलग बात आपकी, मल्टीपल हो चाहे ना हो आपका, कोई भी एक अगर आपका कम से कम एक इनपुट पे अगर आपका हाई हो जाए, ठीक है, एनी इनपुट इज हाई, ठीक है, अगर एनी इनपुट आपका, कोई भी इनपुट आपका लॉजिक वन पर या लॉजिक हाई पर आपका, तो आउटपुट चाहे उसके बाद आपका आगे कुछ भी आपका बूलियन फंक्शन है, कोई भी वैल्यू आपकी,
आउटपुट हमेशा क्या आएगा आपका, हाई लॉजिक आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इस तरीके से, ऑप्शन ए आप लोगों का क्या आएगा स्टूडेंट, इस तरीके से आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। आंसर क्या निकल के आएगा इस तरीके से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना वन बी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, बिल्कुल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फोर द बाइनरी नंबर द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, ठीक है। एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को, बेसिक आपका जेई एई आईटीआई किसी भी लेवल पर आप एग्जाम दें, ठीक है। नंबर सिस्टम का, नंबर कन्वर्जन का, बेस कन्वर्जन का, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। फोर वन एंड गेट के केस में जीरो होता, अच्छा ठीक है। फोर वन डिसेबल, अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, ऑप्शन ए सुमन जी ने आंसर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जरा, ठीक है। ऑप्शन ए मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं। आपको क्या करना है कि एक बाइनरी नंबर गिवन है, कैसे गिवन है आपको, 1011, ठीक है, और ये आपका 0111 और 0। आपको किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। ऑक्टल बोलने का मतलब आपका बेस 8 में आपको चेंज करना है, तो बेस 8 में या ऑक्टल में चेंज करना है, तो आप क्या कर दें, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को 3-3 का पेयर बना लें, ठीक है। तो ये बन गया 1-3 का पेयर, ये बन गया, और 1-3 का पेयर ये बन गया। इनका डेसिमल लिख दें डायरेक्टली, 110 ये आ जाएगा आपका 124, तो 4 + 2 ये हो गया आपका 6। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे 124, 4 + 1 ये हो गया आपका 5, ठीक है। ऐसे अगर आप लास्ट देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 124, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 + 1 आपका इस तरीके से, ये भी कितना हो जाएगा आपका 5 यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से, 5, 5, 6, बेस 8 में आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से, ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर आ जाएगा। आंसर जो आएगा यहां से आपका ऑप्शन ए इस तरीके से क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या निकल के आ गया, यहां से आपका राइट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आप लोगों को, एक बेसिक क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका, ठीक है, नीड नहीं है बिल्कुल आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, ठीक है, लास्ट का ओनली चेक, बिल्कुल आप लास्ट का चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को, हीट सिंक इज जनरली अटैच्ड विद, ठीक है, कि हीट सिंक जो आपका जनरली अटैच होता है या जनरली कनेक्ट होता है आपका कहां पर होता है आपका, ठीक है। तो हीट सिंक की बात कर रहा आपका 421 कोड से, बिल्कुल आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, जरा आंसर दें आप फटाफट कि हीट सिंक जनरली कहां पर अटैच होता है, ठीक है। तो ऑप्शन लोग आंसर दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग, हीट सिंक जो आपका कनेक्ट होता है आपका, वो कहां पर होता है आपका, कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर पर, ठीक है, कहां पर होता है आपका, कलेक्टर टर्मिनल पर। और क्यों होता है, क्योंकि कलेक्टर का जैसे नाम आपका, ये क्या करता है आपका, कलेक्ट द चार्ज कैरियर, कलेक्ट द चार्ज कैरियर कमिंग फ्रॉम, ठीक है, इस तरीके से आप याद भी रखें, कमिंग फ्रॉम एमिटर टर्मिनल, ठीक है। क्या करता है आपका कलेक्टर, आपका कलेक्ट करने का काम करता है आपका, कि एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, जिससे यहां पर क्या होने लगती है आपकी, हीट प्रोड्यूस होने लगती है। हीट प्रोड्यूस होने लगती है तो उसको हीट सिंक की तरह काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, कलेक्टर का साइज हम क्या रखते हैं, लार्जर साइज ऑफ करंट, तो लार्जर साइज ऑफ कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर का साइज कैसे लेते हैं आप लोग, लार्जर लेते हैं ताकि वहां पर क्या हो सके आपका, हीट आपकी जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिसिपेट हो सके एक तरीके से। आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से, ऑप्शन सी यहां से आपका राइट आंसर, ठीक है। इतना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्मल रनअवे ना हो, बिल्कुल श्यामल जी ने लिखा भी है कि थर्मल रनअवे ना हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है आप लोगों का कि आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन तो आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईएमटी से आप लोगों का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कोर सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है। कलेक्टर हाई इनपुट इंपीडेंस, अच्छा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। एक्सप्लेन प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था भैया आप लोगों का, लार्जर साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्या लिख रहा है आपको कि ऑपरेटिंग वेवलेंथ एंड बैंडविड्थ ऑफ सर्टेन एंटीना इज 3 सेंटीमीटर एंड 100 MHz। ऑपरेटिंग वेवलेंथ लैम्डा आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ आपको कितने गिवन है, दिस इज इक्वल टू 100 MHz। अब आपको क्या लिख रहा है, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूँ क्यू की, तो क्या होता है आपका, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ आपकी, ठीक है। ये क्या होता है आपका, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। बैंडविड्थ तो गिवन है, बट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी आपकी, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, सी अपॉन लैम्डा आपका, सी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10^8
मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इज डिवाइड बाय लैम्डा, कितना आपका 3, बट इस सेंटीमीटर में है तो ऊपर भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका, 10 की पावर 10 हर्ट्स आपकी क्या आ जाएगी, इस तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब फटाफट क्वालिटी फैक्टर में रखते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, 10 की पावर 10 इज डिवाइड बाई बैंड विड्थ, कितनी आपकी 100 मेगाहर्ट्ज़, 100 × 10 की पावर 6 आपका हो जाएगा, 10 की पावर 10 इज डिवाइड बाई 10 की पावर 8 आपकी क्या आ जाएगा इस तरीके से, 10 की पावर 2 आपका, या आप लिख सकते हैं इसको 100 आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरीके से आपका आंसर जो निकल के आएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि जो क्वालिटी फैक्टर आप लोगों का होगा वो कितना होगा आपका इस तरीके से, अगर आप देखेंगे भी क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू 100 आपका। ठीक है, इतना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर आपका बेसिकली क्या डिफाइन करता है आपको, कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को या एम्पलीफायर सर्किट की परफॉर्मेंस को आपको डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को, कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन रिलेशनशिप फोर, ठीक है, यहाँ से क्या लिख रहा है आपको कि आइंस्टाइन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग फोर सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट टू द मोबिलिटी ऑफ कैरियर। ठीक है, कि डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट और मोबिलिटी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपका आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन रिलेशनशिप क्या कहता है स्टूडेंट आप लोगों का, कि डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट डी और मोबिलिटी म्यू का जो रेशियो होता है दैट इज कॉन्स्टेंट आपका किस तरीके से होता है आपका, के इंटू टी बाई क्यू आपका, या आपका क्या होता है इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज वी टी आपका। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि ये जो रेशियो आपका होता है ये क्या लिख रहा है आप लोगों का, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर या टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, लाइफ टाइम या यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। तो ये क्या होता है आपका, किस पर डिपेंड कर रहा है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये रेशियो आपका डिपेंड कर रहा है आपका टेम्परेचर पर। दिस रेशियो या आइंस्टाइन रिलेशन इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा इस तरीके से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, पूछें चीज को अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा आंसर दें फटाफट, कि हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स आर नीडेड टू डिवाइड बाई 16 आपका। ठीक है, कि कितने फ्लिप फ्लॉप सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं कि सर ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल जी, ये आपके क्या हैं लास्ट ईयर के कुछ आपके आए हुए क्वेश्चंस भी हैं डिफरेंट एग्जाम में, और कुछ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एक असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से पूछ सकता है। ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन बी, ठीक है, अच्छा फोर्थ नहीं, शायद फोर लिख रहे हैं, ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इस तरीके से, अगर आप देखेंगे कि हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स आर नीडेड टू डिवाइड बाई 16, डिवाइड बाई 16 काउंटर अगर आपको बनाना है, या बोलने का मतलब कि आपका कि आपको क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है आपका कि मोड ऑफ काउंटर जो आपका वो 16 है, तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, या नंबर ऑफ इनपुट आपके, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट बिट्स भी आपको लिख सकता है, दैट इज इक्वल टू एन आपका। ठीक है, और मोड ऑफ काउंटर कितना होता है आपका, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स या नंबर ऑफ इनपुट्स जो आपके आ जाएंगे दैट इज इक्वल टू 4 आपका इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा इस तरीके से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, इतना जनरल सा क्वेश्चन आप लगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एन इंडेक्स रजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर का एक जनरल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का, कि एक इंडेक्स रजिस्टर इन अ डिजिटल कंप्यूटर इज यूज। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर जो आपका डिजिटल कंप्यूटर में आपका यूज होता है आप लोगों का इस तरीके से डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक है, क्या होता है आपका इंडेक्स रजिस्टर इज यूज्ड, तो किस चीज के लिए आपका इंडेक्स रजिस्टर यूज होता है आपका। ठीक है, तो इंडेक्स रजिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडेक्स रजिस्टर आपका जो यूज होता है आपका किसके लिए होता है आपका, एड्रेस मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है आपका, एड्रेस मॉडिफिकेशन के लिए आपका क्या होता है इस तरीके से आप लोग याद भी रखें। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ, डिजिटल कंप्यूटर में जो आपका एड्रेस आपका क्या होता है इंडेक्स रजिस्टर, वो किसके लिए होता है आप लोगों का,
पॉइंटिंग टू ऑप्शन ए ऑप्शन डी, ऑप्शन ए आंसर होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखें कि किस चीज़ के लिए यूज होता है आपका, एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए आपका, जहाँ पर आपका एड्रेस होता है या डेटा जहाँ स्टोर होता है उसे मॉडिफाई करने के लिए आपका जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है आपका, एड्रेस। इस तरीके से आप लेकर सक सकते हैं इंडेक्स रजिस्टर आपका, ठीक है। इतना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट आपका इस तरीके से क्लास की टाइमिंग आप याद रखें, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, राजस्थान जी, गेट 2021 और गेट 2022 आपके सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक्स के डिटेल्ड प्रोग्राम आपके चल रहे हैं स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। तो अगर इन सब्जेक्ट्स को जिन्हें हम क्लास में भी अभी पढ़ रहे हैं, इन सब्जेक्ट को और डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस तरीके से इन कोर्सेज में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। एड्रेस मॉडिफिकेशन बिल्कुल आपका, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जनरल सा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को कि द एमीटर इज एसी ग्राउंड इन, ठीक है। कि एमीटर टर्मिनल आपका इस तरीके से कि एमीटर टर्मिनल जो आपका होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, ग्राउंड है अगर आपका तो किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, कॉमन बेस में, कॉमन एमीटर में, कॉमन कलेक्टर में, या नॉन ऑफ दिस। तो एक बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना आपकी, जैसे कॉमन बेस आपकी, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन आपका, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आपको कॉमन एमिटर स्टेज की, सी स्टेज की, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, इस तरीके से आपका क्या होता है, ग्राउंडेड एमिटर स्टेज आपका, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्राउंडेड एमिटर स्टेज आपका। थर्ड अगर हम बात करते हैं सी सी आपका कॉमन कलेक्टर आपका, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका, ग्राउंडेड कलेक्टर स्टेज आपकी, ठीक है। ये क्या होता है आपका इस तरीके से, ग्राउंडेड कलेक्टर, ठीक है। और कॉमन बोलने का मतलब क्या आपका, कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट में क्या होगा आपका, इनपुट और आउटपुट साइड दोनों साइड क्या होगा आपका, कॉमन होगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि आपको एमिटर ग्राउंड का है तो इट मीन्स आपकी कौन सी स्टेज होगी, आपकी कॉमन एमिटर स्टेज। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन बी, इस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दें, ठीक है। एक जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों को क्या लिख रहा है आप लोगों को, कि इन अ प्रॉपरली बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर, ठीक है। कि एक प्रॉपरली बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं एमिटर टर्मिनल से। मैंने पहले भी कहा है स्टूडेंट आप लोगों को कि प्रॉपरली बायस्ड बोलने का मतलब आपका कि ट्रांजिस्टर क्या कर रहा होगा इस टाइम, आपका सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा होगा। और सिग्नल एम्पलीफाई कब होता है आपका, जब ट्रांजिस्टर आपका किस तरीके से क्या होता है आपका, एक्टिव रीजन में आपका ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में आपका, इट मींस आपका, अब आपका अनदर क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि एमिटर बेस जंक्शन आप लोगों का इस तरीके से क्या होगा आपका, फॉरवर्ड बायस होगा आपका, और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका क्या होगा इस तरीके से आपका, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कि पास थ्रू दी आपको क्या लिख रहे हैं, ट्रांजिस्टर आपका क्या है, एनपीएन, इस तरीके से ये आपका अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए क्या लिख रहा है स्टूडेंट इस तरीके से आपको, ठीक है। तो क्या लिख रहा है आपको कि प्रॉपरली बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर में लिख रहा है आपको कि मोस्टली जो आपके ट्रांजिस्टर में आपका प्रॉपरली बायस, तो यहाँ आपका क्या होगा इस तरीके से आपका, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे आपके, ठीक है। यहीं से अगर हम बात करें दूसरे जंक्शन पर, तो ये क्या होगा आपका इस तरीके से, रिवर्स बायस आपका, यहाँ आपका क्या होगा इस तरीके से, फॉरवर्ड बायस, और ये आपका रिवर्स बायस, ठीक है। तो प्रॉपरली बायस एनपीएन ट्रांजिस्टर में मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आपके एमिटर टर्मिनल से होते हैं वो क्या होते हैं आपके, बेस से पास होते हुए कहां पर जाते हैं आपके, कलेक्टर टर्मिनल को, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करते रहें, और सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।